एनएस न्यूज, सच जरूरी है। पार्किंग कर्मचारी ने धारदार हथियार से किया वकील पर हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एनएस न्यूज नेटवर्क। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पुष्ट जानकारी के मुताबिक राजस्व मंडल से जुड़े हुए वकील अमीन पठान अपने बच्चों को दिखाने अस्पताल आए थे। वापसी में जब उन्हें उनका वाहन नहीं दिखा तो और उन्होंने पार्किंग कार्मिक से वाहन ढूंढने के लिए कहा तो वह अभद्रता पर उतर आया और काफी नोकझोंक के बाद उसने वकील पर हमला कर दिया, जिससे वकील पठान के सर पर चोट आई। घटना की सूचना पर गुस्साए वकील अस्पताल पहुंच गए और पार्किंग कर्मचारी पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे, जिससे माहौल और गर्मा गया। अजमेर उत्तर के सीओ छवि शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। बाद में वकीलों ने कोतवाली पुलिस में लिखित शिकायत देकर दोषी हमलावर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इधर जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के बाद आज राजस्थान राजस्व मंडल सहित अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ साथ पुष्कर के न्यायालयों में भी कार्य बहिष्कार रहते हुए प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की मांग की गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाट बाजार में महिला की हत्या, पति गंभीर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वरला थाना क्षेत्र के दुगानी स्थित हाट बाजार में आज शाम एक व्यक्ति ने अपने पूर्व पत्नी की सरेआम हत्या कर दी तथा उसके पति को बुरी तरह से घायल कर दिया। सेंधवा के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कमल सिंह चौहान ने बताया कि अंबा अवतार निवासी दगड़िया ने दुगानी के साप्ताहिक हाट बाजार में सतीलाल और उसकी पत्नी केरमाबाई पर गन्ने काटने के औजार से हमला बोल दिया। उसने अपनी पूर्व पत्नी केरमा भाई के सिर पीठ और गर्दन पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत मौके पर ही मृत्यु हो गई। केरमाबाई के पति सतीलाल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दगड़िया ने उस पर भी कई हमले किए, जिसके चलते उसे गंभीर हालत में वरला के शासकीय अस्पताल लाया गया। वहां से उसके परिजन घायल सतीलाल को महाराष्ट्र स्थित धुलिया ले गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। उसके अंबा अवतार स्थित घर पर भी ताला पाया गया। वरला के थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी ने बताया कि देवली निवासी दंपत्ति आज दुगानी हाट बाजार में खरीदारी करने आए थे। उनका विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। उन्होंने प्राथमिक विवेचना के आधार पर बताया कि दगड़िया पूर्व पत्नी केरमाबाई द्वारा उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लिए जाने से नाराज था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रिंसिपल को छात्र ने पेट्रोल डालकर जलाया, फेल होने से था नाराज। इंदौर के बीएम कॉलेज के प्रिंसिपल को छात्र ने पेट्रोल डालकर जला दिया, उनकी गंभीर हालत बनी हुई है। महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा कॉलेज के फार्मेसी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल है। शाम के समय आज यह घटना हुई है। प्रिंसिपल कॉलेज से काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल रही थी, जैसे ही वे कार में बैठी छात्र ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ समय पाता इतनी देर में प्रिंसिपल को आग ने घेर लिया। कॉलेज के ही छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रिंसिपल को आग लगाई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्रिंसिपल को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रिंसिपल 80% जल चुकी है और छात्र भी आग की चपेट में आकर 20% तक जला है। बताया जा रहा है कि आशुतोष परीक्षा में फेल किए जाने से नाराज था और उसने यह वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आशुतोष को हिरासत में ले लिया है। सिमरौल थाने के TI RNL भदौरिया ने बताया कि छात्र पहले भी कॉलेज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उस पर चाकूबाजी की वारदात करने का भी एक मामला है। उसने कॉलेज के प्रोफेसर विजय पटेल भी चाकू से हमला किया था। पुलिस टीम कॉलेज से साक्ष्य जुटा रही है और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।